हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो जाएं। आई लेट यू नो द साइनोप्सिस हियर। साइनोप्सिस मतलब कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। वील बिगिन विथ कि ई कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। फिर उसके बाद कुछ जनरल टाइप्स क्या हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के। फिर असेंशियल्स क्या हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के। देन व्हाट इज़ द एडमिसिबिलिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इन आर इंडियन लॉज। वील पर्टिकुलरली डिस्कस द एविडेंस एक्ट प्रोविजंस। देर आफ्टर वील सी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है एज वी रीड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाता है दैट आइदर इन 10 मार्क्स और लेसर और मोर देन दैट कि इसमें डिफरेंस बताइए। सो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ई कॉन्ट्रैक्ट के क्या कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, एंड हम लोग इसका सम अप करेंगे बाय टेकिंग सम लैंडमार्क केस लॉस। ठीक है, विदाउट टेकिंग अ ड्यू फर्दर हम लोग शुरुआत करते हैं कि ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अगर हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसका शुरुआत ही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। इट सेज दैट एन अग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल अंडर लॉ। कोई भी अग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्स्ड है, लॉ द्वारा उसकी वैलिडिटी है एंड इन्फोर्स किया हुआ है, दैट एनी अग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट भी सेक्शन 2H के ही एसेंस को कम्प्लीटली फुलफिल करता है। इट इज़ सेम एज अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, द ओनली डिफरेंस इज इन द मोड कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ठीक है, जो मोड है उसका, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट यू नो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट कराया जाता है, देन दिस इज सिंपली कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हेंस ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये वो अग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एंड चाहे उसकी ड्राफ्टिंग हो, उसका निगोशिएशन हो, उसका एग्जीक्यूशन हो, वो सब कुछ डिजिटली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सो बहुत सिंपल है, एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट ना पता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट पता है तो ई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है, राइट। तो जैसे कि एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर बेस्ड होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट पेपर बेस्ड नहीं होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल होता है इन इट्स इंटायरिटी, राइट। यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं ई कॉन्ट्रैक्ट की, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही आइदर ऑन इंटरनेट या फिर टेलीफोनिक वे में कम्युनिकेट करती हैं, ऑफर करती हैं, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। और मतलब बताया ना मैंने, जो भी चीज़ें उसकी हो रही हैं वो सब कुछ डिजिटली हो रही हैं, राइट। सो वहाँ पर पार्टीज भी डिजिटली ही कम्युनिकेट करती हैं। अगर हम बात करें कि इसकी वैलिडिटी कहाँ पे डिटरमाइन है या कहाँ पे जिक्र है कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड होंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है आईटी एक्ट का सेक्शन 10A। इसे तो लिखना है अपने आंसर में। सो सेक्शन 10A ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है? जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट के प्रपोजल कम्युनिकेशन या प्रपोजल का एक्सेप्टेंस या प्रपोजल का रिवोकेशन, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू हुआ हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइन्फोर्सिबल नहीं मानेंगे जैसे ऑन द ग्राउंड कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर हुआ है। सो अगर हम इस पॉइंट से डिराइव करें, सो वी आर दिस आईटी एक्ट इज सिंपली टेलिंग अस कि ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है, उसके बावजूद भी वो इन्फोर्सिबल होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ उसके मोड इलेक्ट्रॉनिक है, उस वजह से वो अनइन्फोर्सिबल नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी प्रिवेल करेगी, राइट। सो दिस वॉज सेक्शन 10A। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ई कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में वैरी करता है। सो वी कैन से दैट द ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरह का बिजनेस हो रहा है, उस तरह का जो नेचर है वो ई कॉन्ट्रैक्ट का होता है। सो देयरफॉर आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे अलग अलग आर्टिकल्स में, कई अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट बताए हुए हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस। हम लोग यहाँ पे 3 जो मेजर टाइप्स हैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड क्लिक रैप, एंड द थर्ड इज ब्राउज रैप। जल्दी से इनका मीनिंग समझ लेते हैं।
पहला है श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आप लोगों को बिफोर रीडिंग दिस मैं आपको सिंपली बता देती हूँ क्या होता है। देखो कई बार हमारे कोई ऑनलाइन पार्सल्स आते हैं, है ना, और उन पार्सल वो पार्सल्स कैसे होते हैं, पूरे रैप्ड होते हैं एक प्लास्टिक कवर के थ्रू, और उन्हीं में ही उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। आप देखो कई बार आप अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट से आप कुछ परचेज करते हो तो उस रैप्ड बॉक्स में ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस की स्लिप होती है वो मेंशन होती है, वो उसमें अलग से डली हुई होती है, ठीक है। तो अगर अब उस टर्म्स एंड कंडीशंस को वो जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया है वो उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट कुछ काउंटर क्लेम या फिर कुछ अपनी बात काउंटर में नहीं कहता है, सो इट सिंपली सेज कि उसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस से डिससेटिस्फाई होता है सो देर इज़ एन ऑप्शन कि वो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करा सकता है या फिर उसको रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ सिंपली अ श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको इस रिटन फॉर्मेट में समझा देती हूँ कि ये वो अग्रीमेंट है जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में ही मेंशन होते हैं, ठीक है। एंड जनरली ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो सेल एंड परचेज होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि उसमें वारंटी कार्ड्स वगैरह भी रखे होते हैं जब भी आप कोई टेलीविजन वगैरह कुछ भी परचेज करते हो, ठीक है। सो दैट इज़ दी पार्ट ऑफ द श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इंडिया में क्या पॉलिसी है श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि कोई भी अगर प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पैकेजिंग के बाहर मेंशन हो, राइट। एंड इन दैट केस दी बायर इज़ नॉट अग्रीड टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उन टर्म्स को ना अग्री करे और उस प्रोडक्ट को वापस कर दे। सो दिस इज सिंपली अ श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, राइट। द सेकेंड इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। क्लिप रैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये उससे थोड़ा अलग है। ये जनरली अलग अलग वेबसाइट्स पर या अलग अलग सोशल मीडिया पे होता है, जिसमें कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, ठीक है, और उसे एक्सेस करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा स्क्रीन पे, वो बोलेगा कि दैट यू आर अग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। आप उसको आई अग्री पे क्लिक करो और उसके बाद ही आप उस वेबसाइट को या उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विजिट कर सकते हो, है ना। तो वो वहाँ पे पहले ही आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करा रहा है, ऑल्दो आपके पास नेगोशिएशन का कोई पावर नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते नो आई डिनाई, ठीक है। अगर आप डिनाई कर रहे हो फिर आपको बाकी होना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज सिंपली रिटन हियर दैट इट इज़ एन अग्रीमेंट यूज फॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग वेबसाइट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र लॉग इन करता है तो वहाँ पर क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज है वेबसाइट की वो वहाँ पे आपके सामने पॉपअप होती हैं और यू हैव टू क्लिक ऑन द आई अग्री बटन, ठीक है। फिर आप क्या होते हैं दैट यू आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो, दैट आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द यूज़र एज अ लीगल कंसेंट, राइट। एंड हियर द यूज़र हैज़ नो पावर ऑफ नेगोशिएशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ द क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। एंड द थर्ड इज ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। ब्राउज रैप में क्या है, देखो जैसे क्लिक रैप में क्या था कि वो एटलीस्ट आपके सामने पॉपअप हो रहा है, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको पहले आपसे एक्सेस मांगा गया है दैट यू आर अग्रीइंग टू आर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पॉलिसीज, उसके बाद ही आप हमारे कंटेंट को या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। लेकिन ब्राउज रैप में क्या है, इस तरह के फॉर्मेलिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पे अलग से एक टैब ऑप्शन होता है, उस वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक अलग से अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो आप वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो, लेकिन आपके अग्री होने का या आपके डिनाई का उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़ लेते हैं, दे आर द ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस अग्रीमेंट्स कॉमनली यूज इन वेबसाइट नोटिस और मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक अलग से हाइपर लिंक होता है इन सम पार्ट ऑफ द वेबसाइट एंड विच इज़ नॉट बिफोर हैंड इंटीमेटेड। आपको ऐसा नहीं है कि एक्सेस करने के लिए बिफोर हैंड आपको इंटीमेट किया जाएगा, नहीं। देर इज़ नो प्रोसीजर टू असेंट और रिजेक्ट। अगर आपको पढ़ना है उसकी पॉलिसी क्या है, कई बार आपने ऐप में देखा भी होगा साइड में बार बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐप का एक वो है इंटरफेस है और यहाँ पे अलग से होम वगैरह लिखा होता है और यहाँ लास्ट में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जब आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाओगे तो एक हाइपरलिंक होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप एक नेक्स्ट पेज पे आप रीडायरेक्ट होते हो और वहाँ पे आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो। सो दिस इज सिंपली द ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आजकल हम सब सोशल मीडिया पे हैं और हम लोग सब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। तो ये हो गए तीन, श्रिंक रैप, क्लिक रैप और ब्राउज रैप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है द असेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो मैं इसे डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी। देखो बहुत साफ लिखा है कि एक वैलिड ई कॉन्ट्रैक्ट के वही असेंशियल्स होंगे जो एक वैलिड ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या असेंशियल्स होते हैं यह हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के सेक्शन 10 में प्रॉपरली बहुत डिटेलली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, वहाँ पे क्या बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जब उसमें एक प्रॉपर ऑफर हुआ हो, एक एक्सेप्टेंस हुआ हो, ठीक है, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट उस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, जो दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं वो सब कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ उन सब की जो एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोअर्जन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और जब ये सब असेंशियल्स फुलफिल होते हैं देन इट इज़ बीइंग सेड दैट दी कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वैलिड वन। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी असेंशियल अगर मिसिंग है देन इन दैट केस इट विल बी डीम्ड टू बी वॉइड, वो नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया असेंशियल्स का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट हेडिंग इज द एडमिसिबिलिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या एडमिसिबिलिटी है, क्या उसका लीगल स्टेटस है। ठीक है, कैसे हम अश्योर करते हैं, किन प्रोविजन से हम अश्योर करते हैं कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं और उनकी वैलिडिटी प्रिवेल करती है। तो देखो जब हमारा IT एक्ट आया था ना, IT एक्ट ऑफ 2000, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किए गए थे, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, जिसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वेज ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे ऑल आर एडमिसिबल इन एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमृतसर बेवरेज लिमिटेड एंड अदर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 63 है, ये जो भी कंप्यूटर आउटपुट्स हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक फॉर्म, उन सब की एडमिसिबिलिटी को कवर करता है सेक्शन 63। इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B बताता है कि किस तरीके से हाउ विल दी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस, जहाँ भी जिस भी केस में ज़रूरत होगी वो किस तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ 65B बताता है दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, जो कि प्रिंट हो सकती है, स्टोर हो सकती है, कॉपी हो सकती है, उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा, राइट, एंड इट विल हैव द सेम एडमिसिबिलिटी। एंड इसके लिए किसी भी एडिशनल प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई ओरिजिनल आप एक ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट लाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ, तभी उसकी वैलिडिटी प्रिवेल करेगी, राइट। तो और किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह को वेरीफाई किया जाएगा, उन सब का प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73A में प्रोवाइडेड है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जिसमें हमें ई कॉन्ट्रैक्ट की या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में अग्रीमेंट्स हो रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एडमिसिबिलिटी को ये अपहेल्ड करता है। हेलो, नेक्स्ट हेडिंग है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको डिटेल में नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि एफिशिएंट है, टाइम बचाता है काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत ही इजीली और बिल्कुल कम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, साइन कर सकते हो, ठीक है, कोई मैनुअल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, देखो आपका पेपर का, आपका प्रिंटिंग का, आपका पोस्टेज का, आपको डॉक्यूमेंट स्टोरेज का, इन सब का पैसा बचा रहा है ना ई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसके अलावा ईजी टू एक्सेस है, अब क्या है पेपर फॉर्मेट में होगा तो यहाँ से वहाँ भेजो या इजीली एक्सेस नहीं कर सकते ना, और यहाँ पे क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट्स आप बहुत दूर होके भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हो, इजीली उसको साइन भी कर सकते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा दिया है ई कॉन्ट्रैक्ट्स ने। इसके अलावा सिक्योर भी है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिक्योर्ड रहते हैं और इनमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन में देखें तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं मोर सिक्योर्ड होते हैं, राइट। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, ऑल्टरेशन और लॉस। एंड द लास्ट इज ऑडिट ट्रायल, इट सिंपली मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट के हर एक्शन को रिकॉर्ड करते हो कि कब कब क्या क्या चेंजेस किए गए या किस किस डेट में या कब कब कैसे कैसे इसमें कैसे कैसे फर्दर अप हुआ, आप हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हो। अगर इन पर्टिकुलर इंस्टांस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो बिकॉज इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, तो आपके पास पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री अवेलेबल होती है ऑफ द चेंजेस एंड इंटरेक्शंस व्हिच हैव बीन टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड,
राइट, तो ये होगा इसके मेजर एडवांटेजेस। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, तो ई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं उनके पास पूरा एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस टू ऑल द इंटरनेट यू नो कनेक्टिविटीज़ एंड टूल्स और डिवाइस, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये एक हिंड्रेंस है टू मेक अ स्मूथ फ्लो ऑफ यू नो एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। द सेकेंड इज लीगल रिकग्निशन। ऑल दो मैनी ज्यूरिस्डिक्शंस रिकग्नाइज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, बट कुछ लीगल सिस्टम अभी भी है दैट उनको एडिशनल अश्योरेंस चाहिए रिगार्डिंग द इन्फोर्सेबिलिटी। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे उसकी यू नो इफ़ इट इज़ फॉलोइंग अप ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स, तो फिर किसी अदर लीगल रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। सो इन दैट केस द लीगल रिकग्निशन अगैन बिकम्स अ हिंड्रेंस और वी कैन से अ नेगेटिव पार्ट ऑफ द ई कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड इज सिक्योरिटी कंसर्न। एक तरफ हमने एडवांटेज में कहा कि यू नो मोर सिक्योर्ड है और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोइंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी साइबर थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हैकिंग, डेटा ब्रीच और यू नो अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सब चीज़ें भी बढ़ रही हैं और ये अगेन एक डिसएडवांटेज पोज करता है अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। द फोर्थ इज़ अ लर्निंग कर्व। अब देखो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है अगर किसी को ई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो उनको वो डिजिटल टूल्स चलाना आना चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होने चाहिए। तो अब उसके पहले यू नो अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग हो, यू नो और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हों। सो अगेन वो कहीं वहीं पर आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब तक बंदे को आएगा नहीं वो चीज़, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अब वो सब सीखे। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट इज इट इज़ पोटेंशियल टू डिस्प्यूट्स, कैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की वैलिडिटी या ऑडिट ट्रेल डेटा के इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, टाइमिंग्स ऑफ एक्शंस। तो ये सब चीज़ों पर अलग अलग कई बार हमने देखे हैं, अलग अलग केसेस हैं और ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो टाइम एंड अगेन यू नो इवॉल्व हुए हैं इन रिगार्ड्स टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ऑल दो इतना सब पढ़ने के बाद क्लियर हो गया है, बट वी हैव टू टेक इट इन टू कंसिडरेशन इन द प्रॉपर फॉर्मैट। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मैट की बात आ गई कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल फॉर्मैट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। ये मैनुअली हाथ से साइन किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होता है। इसकी आपको फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ती है, ठीक है, जबकि ये स्पॉन्टेनियस होता है, इंस्टेंट होता है, ऑनलाइन ही ट्रांसमिट कर दिया जाता है। हम लोग एक्सेसिबिलिटी के रिगार्ड में बात करें तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि इफ़ यू हैव टू यू नो एक्सेस दी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको आप एक जगह पे जाओगे, मिलोगे पार्टी से, तो एक लोकेशन डिपेंडेंट है, जबकि ये तो आप रिमोटली दूर से ही अपने घर बैठे भी यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स को या रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद वेरिफिकेशन की बात करें तो ये अगैन फिजिकल सिग्नेचर पर रिलाई करता है एंड जिसमें यूज़ द डिजिटल सिग्नेचर्स। स्टोरेज की बात करें सो फिजिकल फाइलिंग सिस्टम्स यू नो फाइल्स वगैरह में स्टोर किया जाता है जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, जबकि यहाँ पे सब कुछ डिजिटल स्टोरेज है एंड मोस्टली क्लाउड, यू नो यू माइट हैव हर्ड ऑफ आई क्लाउड और गूगल क्लाउड, तो गूगल ड्राइव वगैरह इन सब में ही स्टोर होता है, राइट। यू नो कोई भी अमेंडमेंट्स करने हैं अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में, सो इट मे इन्वॉल्व द न्यू पेपर्स, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अमेंडमेंट्स तो उसी में ही आप कर सकते हो, यू डोंट नीड एन एडिशनल फाइल और एडिशनल पेपर्स इन्वॉल्व, राइट। स्पीड की बात करें सो ऑफकोर्स क्योंकि एक्सेस में टाइम लग रहा है, टाइम कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है, तो टिपिकली ये स्लोअर है और इट जनरेट्स फास्टर, टेक्नोलॉजी तो फास्ट ही होती है, ठीक है। फिर अगेन ऑडिट ट्रायल की बात करें तो मतलब आप हिस्ट्री इजली देख सकते हो, कई सारी पुरानी फाइलें कई बार नहीं भी होती हैं, जबकि इसमें तो पूरा आप डिटेल रिकॉर्ड होता है आपके पास रिगार्डिंग एवरी चेंजेस मेड और जो भी पुराने भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड होते हैं। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेपर का यूजेज हो रहा है तो वेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है इन कंटेक्स्ट ऑफ कि पेपर का कंजम्पशन नहीं है, सो इन दैट वे इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन द लास्ट इन रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी तो ये माना जाता है कि दे आर द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट आर मोर वल्नरेबल टू थेफ्ट लॉस और डैमेज, जबकि ये बिकॉज दे इन्वॉल्व द हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट इज़ वाई दे आर मोर डिजिटली सिक्योर्ड
राइट. तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लास्ट हेडिंग देख लेते हैं रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड देन वील सम ऑफ द लेक्चर. पहला है सुरेश कुमार गुप्ता वर्सेस वंदना गुप्ता, 2006 का केस है. इस केस में कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एंड पर्टिकुलरली ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट की लीगल वैलिडिटी अपहेल्ड की थी. कोर्ट ने कहा दैट यू नो अगर ईमेल एक्सचेंज के थ्रू कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है एंड इट इन्वॉल्व ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो अग्रीमेंट, देन दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इवन दो वो ईमेल एक्सचेंज के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ हो. द नेक्स्ट इज भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, 2014 का केस है. इसमें कोर्ट ने अपहेल्ड की ई कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी इन दी सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, कोर्ट ने कहा दैट अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन भी परचेज की गई है तो उसका सेल एंड परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिडली इन्फोर्स्ड होगा. राइट. एंड द थर्ड केस इज रिलायंस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज एयर इंडिया लिमिटेड, 2011 का केस है. इसमें कोर्ट ने हेल्प किया कि अगर कोई यू नो कोई ऑक्शन का मैटर है एंड जो बिडिंग है यू नो जो बोली लगाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू लगाई गई है तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे यू नो बिडिंग की एंड इन्फोर्सिबिलिटी वैलिड होगी. राइट. तो कोर्ट अपहेल्ड द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों केसेस. ये हो गए और ऊपर भी हमने एक केस डिस्कस किया था एडमिसिबिलिटी के हेडिंग में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमृतसर बेवरेज लिमिटेड. तो ये तीन चार केस हैं, मोर देन इनफ है. एंड ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे ही हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए एंड आई बिलीव आप लोगों को समझ आया होगा. कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो वो भी शेयर करिएगा हमारे साथ. We'll be back soon with another lecture. Till then, everyone, please take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.